अब बहुत कम दिनों का साथ है हमारा श्रेया। क्या ऐसा क्यों कह रही हो कि कम दिनों का साथ है हमारा? आज अमेरिका से मेरे लॉयर का फोन आया था, उन्हीं की वजह से मैं अब तक इंडिया में रुकी हुई हूँ। तो तुम वापस जा रही हो? हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड से आलमनी मिलने के चांसेस हैं, इसलिए अब मैं लौट सकती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा डाइवोर्स मंजूर हो चुका है? हाँ श्रेया, अब तो जाना ही होगा। अब देखो ना, कल ही की बात हो, जैसे जब मैं आई थी तब तुम बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करती थी। शुरुआत में काफी नेगेटिव वाइब्स मिले थे ना मुझसे, लेकिन तृष्णा, कितने कम समय में हम एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं ना। कभी कभी सोचती हूँ ना तो हैरान रह जाती हूँ। शायद इतना ही साथ हो हमारा। हाँ, ये भी ठीक है। अगर तुम्हारे वकील ने कहा है तो फिर तुम्हें जाना ही होगा ना। मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन क्या श्रेया? लेकिन तृष्णा, तुम्हारे यहाँ रहने से मेरा हौसला बना रहा है। अगर हो सके तो अमेरिका जाना टाल दो प्लीज। कृष्णा, मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। प्लीज प्लीज डोंट गो कृष्णा। हे श्रेया, कम ऑन। पारेख अंकल, रितेश, मैं एक वकील से मिला हूँ, नानावटी कोर्ट में उसका ऑफिस। अच्छा, कल का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, हमें उससे मिलने जाना है। उसका सोचना है कि प्रकाश चंद्र लोकअप में हो सकता है शायद। जी, हमें कल ही कोर्ट में पेपर्स फाइल करने। पारेख अंकल, वो पेपर्स तो फाइल हो चुके। क्या तुमने वकील कर लिया है? जी जी पारेख अंकल, वो क्या है कि मेरी सास बहुत परेशान थी, छटपटा रही थी, और फिर दिन पे दिन भी तो निकले जा रहे थे। गाली मिली उस वकील से? आजकल मैं शायद मिले। पारेख अंकल, तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि तुमने ऋषभ नाहर से कांटेक्ट किया है, और मिताली की मीटिंग भी उससे हो चुकी है। खैर, मिताली को जब जितेंद्र भाई ने कुर्सी दी थी तभी मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं वक्त का तकाजा नहीं समझा। कैसा तकाजा? यही कि अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। पारेख अंकल,